Hello everyone, welcome to Peckens.com. Today I'm going to teach you IELTS exam fact number one, IELTS preparation. इसको पहले बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा. आपने FA किया होगा, FSC किया होगा, उसके बाद किसी ने आपको कहा होगा BCom करें, ज़िंदगी बन जाएगी. फिर कहा होगा BCom के बाद ACCA करें, ज़िंदगी बन जाएगी. फिर MBA करें, ये हो जाएगा. बाहर से पढ़ें, ये हो जाएगा. मगर अब आप लोगों को पता लग जाता है कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है, अगर मैं आपसे झूठ बोलूँगा तो आपको मेरी शक्ल में वो नज़र आएगा कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ. इसलिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता. ये मेरी बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती है बात, कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका अभी 6 बैंड है तो कोई भी दुनिया की प्रिपरेशन सेंटर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 7 बैंड करा सकता है. मतलब आपका 1 या 1.5 महीने की प्रिपरेशन के बाद 1 बैंड बढ़ सकता है. आपके 5 बैंड है तो 6 हो जाएगा. अगर आपका 4 बैंड है, अभी आपकी इंग्लिश का लेवल इतना है, आपका 8 नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता. क्योंकि वहाँ पे आइट्स की जो एग्ज़ाम है वो आपका क्लास 1 से 12 की इंग्लिश को एनालाइज कर रहे होते हैं. वो 1 महीने के अंदर कोई रट्टा मार के हम नहीं कर सकते उसको. मेरे 34 स्टूडेंट्स का बैंड 8 आया है, मगर क्या मुझे वो एडवर्टाइज़ करना चाहिए? हाँ, अगर आपका बैंड 8 आ सकता है तो मैं पहले आपको असेस करूँगा, वो फ्री असेसमेंट होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा. क्योंकि मैं कितने ले रहा हूँगा आपसे, मैं 4-5 हज़ार ले रहा हूँ, कोई 10 ले रहा है, कोई 15 ले रहा है. मगर यहाँ पे आपके लिए 5, 10, 15 हज़ार की वैल्यू नहीं है, आपके मकसद की वैल्यू है. अगर मैं आज आपको झूठ बता देता हूँ, आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके 1.5 साल लग गया, आप अपनी जॉब छोड़ने की कोशिश करें, मैं आपकी अपने थोड़े से पैसों के लिए आपको गलत एडवाइस करूँगा, तो मैं आपके साथ ज्यादती कर रहा हूँ. अगर मैं आपको बता दूंगा कि आपका 5 बैंड है तो आपका 6 आ जाएगा, तो आप उसी तरीके से वही स्कूल चूज़ करेंगे, वही कंट्री चूज़ करेंगे जहाँ पे 6 वाली एक्सेप्टेंस है, जहाँ पे वो आपको अंदर आने देंगे या वर्क अलाउ कर देंगे. तो एक चीज़ याद रखें कि आइट्स प्रिपरेशन है, उसके अंदर जो आपका अभी बैंड है उससे 1 तक इंक्रीज़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता. या 1.5 भी हो सकता होगा, मगर इससे ज़्यादा नहीं होता. ओके.